नमस्कार दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा हीट इंजन जो एएलपी स्टेज 2 के लिए एक ट्रेड टेस्ट है, उसका हम रेगुलर क्लासेस चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज रेगुलर क्लासेस के हमारा पार्ट 8 करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम 7 पार्ट कर चुके हैं और उसमें हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से हम कंटिन्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरा कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके एएलपी का सिलेबस दिया गया ऑफिशियली, उसके हिसाब से हम पूरी चीज़ें सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो आज हम जो है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सस्पेंशन। देखिए पेज नंबर, ये पेज यहाँ से मेरे को क्लियर शो नहीं कर रहा है, तो ये पेज नंबर 28 है। लगभग इस पेज नंबर 28 में सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए हीट इंजन का ही पार्ट है, हीट इंजन, और यहाँ पे ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें हम जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम, और फिर उसके बाद व्हील टाइप एंड ट्यूब। ठीक है, तो ये व्हील टाइप एंड ट्यूब दिया हुआ है। उसके बाद देखिए लीफ एंड कॉइल स्प्रिंग दिया हुआ है, लीफ एंड कॉइल स्प्रिंग के बाद फिर देखिए उसका मेंटेनेंस और बाकी चीज़ें, ये सब चीज़ें। तो आगे हम जो करने वाले हैं, ये पूरा टॉपिक यहाँ से आगे कवर करने वाले हैं। ये जो भी आपके, बिल्कुल देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल आपके आरआरबी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। उससे हम एक्स्ट्रा इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि देखिए बीटेक लेवल में एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारा बीटेक में सिलेबस होता है इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड। अगर हम उनको कवर करने लगेंगे तो आपका जो एएलपी का लेवल है वो आईटीआई लेवल का पेपर आएगा, इसमें ज़्यादा टफ नहीं आएगा। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सिलेबस दिया हो बस उसी पर कॉन्सेंट्रेट करें, और वैसे भी आपको इस वाले पेपर में मात्र क्वालिफाई ही करना है, इससे आपकी मेरिट नहीं बननी। तो इसलिए, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको 35% है, लेकिन जो हम करने वाले हैं उसमें आप 60% प्लस आप कर लेंगे, जो भी मैं करा रहा हूँ, अगर उस पर आप कंटिन्यू रहें। इतना मैं अपने प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, और बाकी आपकी मेहनत है तो आप 90% भी ला सकते हैं। सॉरी, तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सिलेबस। तो देखिए सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए आज हम सबसे पहले, मैं आपको जो हम बेसिक स्ट्रक्चर जो भी पढ़ने वाले हैं किसका, सस्पेंशन सिस्टम का, उसका मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। देखिए ऑटोमोबाइल के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, देखिए सॉरी, तो ऑटोमोबाइल के मेन कंपोनेंट होते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले ऑटोमोबाइल में देखिए, आप कोई भी गाड़ी होगी उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ऊपर का उसका फ्रेम होगा, चेजेस होंगे, व्हील होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें ये बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट किया जाता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट होता है आपका पावर प्लांट। पावर प्लांट मतलब इंजन वाला जो सिस्टम होता है उसको हम पावर प्लांट कहते हैं। और जो थर्ड होता है वो ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम में आपका क्लच गेयर बॉक्स वगैरह आते हैं ना, डिफरेंट एक्सेल वगैरह आती है, तो वो आपके ट्रांसमिशन सिस्टम में आती है। और नेक्स्ट है आपका ऑक्सिलरीज में डिफरेंट बैटरीज वगैरह, और ये सब आपके हेडलाइट वगैरह, हॉर्न वगैरह, ये सब आपके ऑक्सिलरीज में आए। दोस्तों हम थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि बहुत सारा मटेरियल, हम चाह रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। ठीक है, और आपका लास्ट है द कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम भी आपका देखिए, कंट्रोल सिस्टम में ब्रेक वगैरह आते हैं, तो ये आपके कंट्रोल सिस्टम में आते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं ओवरऑल, एक जो आपका मशीन होता है या एक गाड़ी होती है, गाड़ी के पूरे एक कंपोनेंट है। ठीक है, जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मात्र पढ़ना ये है बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है हम ये आपको बता दें। बेसिक स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर में देखिए इन्वॉल्व होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द फ्रेम होता है उसमें, सस्पेंशन सिस्टम होता है, एक्सेल होते हैं, और व्हील एंड टायर होते हैं। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको फिर से देखिए दिखा देता हूँ फिर से, हमें करना क्या है, हमें ये पांचों कंपोनेंट में से हमें पहला ये पढ़ना है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, वैसे आपके सिलेबस में फ्रेम अभी नहीं दिया, अगर आगे दिया होगा तो मैं उसको फ्रेम को भी कराऊंगा, लेकिन अभी जो है आपका सस्पेंशन सिस्टम करना है। तो सस्पेंशन सिस्टम में आप देख लीजिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सस्पेंशन सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। तो आप सभी को वैसे ऑलरेडी पता होगा सस्पेंशन जो गाड़ी में लगे होते हैं तो वो शॉक ऑब्जर्व करने के लिए लगा होता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है जानना कि शॉक ऑब्जर्व करने के लिए, उसको टेक्निकली हमें उसका पूरा समझना है, क्योंकि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो हमें देखना आगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सस्पेंशन सिस्टम में एक्चुअली क्या है। एक लाइन में हम इसको, ऑल द पार्ट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ आइसोलेटिंग द ऑटोमोबाइल फ्रॉम द रोड शॉक्स। ठीक है, तो आइसोलेटिंग द मोबाइल ऑटोमोबाइल। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, आपको ये लाइन पढ़ने से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपकी ये गाड़ी है अगर, तो गाड़ी में जो शॉक लग रहे हैं उसको आइसोलेट करना, मतलब उसको एक तरह से ख़त्म कर देना। ठीक है, तो ऐसा कुछ ना कुछ इसमें, इसके अंदर एक कोई ऐसा सिस्टम लगा होगा, हो सकता है इसके अंदर कोई स्प्रिंग लगी होंगी, हो सकता है इसके अंदर कोई लीफ लगी होंगी, हो सकता है इसके अंदर आपको जो भी इसके अंदर ही जो क्या बोलते हैं, इसके अंदर डैम्पर लगा होगा, डैम्पर
तो डैम्पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, स्टड वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्प्रिंग वगैरह में कई वेराइटीज़, कई तरह के स्प्रिंग कॉइल्स भी होती हैं, ठीक है, तो वो कॉमनली आजकल नई गाड़ियों में यूज़ होते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हम आगे देखने वाले हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि भाई आइसोलेट करता है, आप जो भी आपके शॉक रहते हैं जो नीचे से जो फोर्स लगता है, आप थ्रस्ट फोर्स लगता है नीचे से जब आपकी गाड़ियों में, तो उसको वो आइसोलेट कर देता है, मतलब एक तरह से ख़त्म कर देता है या किसी भी और ख़त्म करेगा। मतलब आप सभी को पता है भाई एनर्जी को तो डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता, तो नॉर्मल सी बात है वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, ठीक है। तो जो आपका सिस्टम ऐसा अरेंज किया जाएगा कि जो एनर्जी शॉक जो है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा और उसको जो है डैम्प कर दिया जाएगा, ठीक है, डैम्पिंग प्रोसेस की जाएगी, उसके थ्रू उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये सिस्टम की क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे स्प्रिंग होती है, डैम्पर होता है और स्ट्रट होता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है स्प्रिंग और डैम्पर जो होता है वो आपका कॉइल टाइप के जो होते हैं ना, कॉइल टाइप के सस्पेंशन सिस्टम उसमें, ठीक है। हम लेकिन एक लीफ टाइप का भी पढ़ेंगे, लीफ सस्पेंशन सिस्टम, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है सस्पेंशन सिस्टम का, टू प्रिवेंट द रोड शॉकेज, रोड का सॉकेट प्रिवेंट करना, सेफ गार्ड द ऑक्यूपेंट फ्रॉम द रोड शॉक्स, है ना, तो जो रोड के शॉक्स होते हैं उससे बचाना अपने ऑक्यूपेंट को, ठीक है। उसके बाद वो है स्मूथ रनिंग के लिए, स्मूथ रनिंग मतलब और मेंटेन स्टेबिलिटी, जो भी आपकी गाड़ी है उसकी स्मूथ रनिंग चलती रहे और स्टेबिलिटी मेंटेन हो, ये सब चीज़ों के लिए जो है शॉक ऑब्जर्वर बहुत ज़रूरी है। और या आपका स्टीयरिंग सिस्टम सस्पेंशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो। तो दोस्तों देखिए एक सस्पेंशन सिस्टम के जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं आपको बिल्कुल ईजिली आप समझ सकते हैं इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये सब इसके रिक्वायरमेंट है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या है एक्चुअली जो है, ये तो ओवरव्यू था जो मैं आपको बता रहा था, ये ओवरव्यू के बाद अब हम मेन पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं साथ में कि दोस्तों हम जो लास्ट में आज कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के साथ बने रहें और एंड तक देखें पूरा, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, देखिए दोस्तों तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम आगे करते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, अभी तक तो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा था, अब हमें जो पढ़ना है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि भाई टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम तो आप समझ गए क्या है, जो शॉक को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, शॉक को ऑब्जर्व कर रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, है ना, तो कुछ आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप कुछ गड्ढे में आई गाड़ी आपकी, तो उससे होने वाला जो आपको इफेक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है, वो आपको शॉक नहीं लगते, आपको झटके नहीं लगते और गाड़ी स्मूथली चलती है, इसके लिए सस्पेंशन सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें इतना ही जानना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो मेन जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं उस टाइप से क्वेश्चन। तो इसमें जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हम देखते हैं। देखिए ये डिपेंडेंट टाइप्स होता है और इंडिपेंडेंट टाइप्स होता है, ठीक है, ये बेसिक टाइप के, और एक होता है आपका सेमी इंडिपेंडेंट टाइप। तो डिपेंडेंट टाइप में किस तरह के आपके आते हैं, डिपेंडेंट टाइप में देखिए डिपेंडेंट टाइप के जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये देखिए सस्पेंशन सिस्टम ये इस तरह का है कि आपका जो ये वाला सस्पेंशन है पुराने ज़माने में जो यूज़ होते थे वो डिपेंडेंट टाइप के ही यूज़र, अभी भी इसी टाइप के कहीं कहीं यूज़ होते हैं, लेकिन आजकल काफ़ी एडवांस मशीनरी बन गई है जिसके हिसाब से अब डिपेंडेंट टाइप के कम यूज़ होते हैं। तो डिपेंडेंट टाइप क्या होता है कि जो आपका एक व्हील के ऊपर अगर कुछ गड्ढा आए या कुछ ऊँची जगह आई तो वो व्हील अगर ऊपर उठता है तो दूसरे व्हील पर उस पर इफेक्ट पड़ता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डिपेंडेंट टाइप में क्या होता है। डिपेंडेंट टाइप में देखिए ये यहाँ पर एक बम्प आया, ठीक है, वो ऊँचाई आई, आपका टायर उस पर चढ़ा, तो देखिए ये जो डायग्राम है ये टायर थोड़ा ऊपर हुआ और साथ में आपका देखिए एक्सेल थोड़ी सी टर्न हुई, एक्सेल के टर्न होने के साथ साथ ये जो व्हील है देखिए इसने भी अपनी पोजीशन चेंज कर ली। मतलब अगर ये व्हील कुछ इस पर इफेक्ट पड़ता तो साथ में आपके दूसरे व्हील पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे देखिए यहाँ पे सस्पेंशन लगे हुए हैं, तो ऐसे सस्पेंशन को आप बोलते हैं डिपेंडेंट टाइप। मतलब ये जो है ये वाला व्हील इस पर डिपेंड है और ये वाला व्हील इस पर डिपेंड है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर इस पर कुछ गड्ढे में जाएगा तो दूसरे पर इफेक्ट पड़ेगा और ये इसमें जाएगा तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ज़्यादातर डिपेंडेंट टाइप के जो व्हील, डिपेंडेंट टाइप का जो अरेंजमेंट होता है जो सस्पेंशन का, उसमें आप लीफ स्प्रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में कमानी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हैवी वेट के लिए यूज़ कर देते, इसका ये हैवी लोड के लिए इसकी कैपेसिटी होती है, क्योंकि जो बहुत ही हैवी ट्रक्स होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, वहाँ इसको यूज़ किया जाता है, किसको, लीफ स्प्रिंग को। तो हम आगे लीफ स्प्रिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो लीफ स्प्रिंग वहाँ पर यूज़ की जाती है जब बहुत ज़्यादा हैवी लोड आपको यूज़ करना हो, क्योंकि लाइट लोड में जो है ये यूज़ नहीं होती, लीफ स्प्रिंग नहीं यूज़ होती, वहाँ पर कॉइल स्प्रिंग टाइप के जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये व्हील इस पर डिपेंड कर रहा है, व्हील ऊपर गया और आप देखिए ये व्हील थोड़ा सा टिल्ट हुआ हल्का सा, और देखिए एक्सेल इसकी कितनी टिल्ट हुई। तो मतलब इस वाले केसेस में एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई अगर आपकी गाड़ी
इसमें पलटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर एक तरफ से इसका बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, ये है ना ऊपर की तरफ हो गया, तो यहाँ डिसबैलेंस हुई और इसमें जो है गाड़ी आपकी पलटने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये डिपेंडेंट टाइप का जो है पहले इसको काफ़ी यूज़ किया जाता था, इसको कन्वेंशनल टाइप का ये समझ लो, कन्वेंशनल मतलब कि पुराने ज़माने में, अभी भी यूज़ होता है फ़िलहाल ये कई जगह, ठीक है। तो हैवी लोड जहाँ व्हीकल्स होते हैं वहाँ यही यूज़ होते हैं, वहाँ पे लगे होते हैं आपके लीफ स्प्रिंग, ठीक है। और इसकी लोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और हालांकि इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस वैसे ज़्यादा होगी जब हम आगे अभी पढ़ेंगे लीफ स्प्रिंग, जब मैं बताऊँगा कैसे इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा लगती है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट टाइप। इंडिपेंडेंट टाइप में क्या होता है, जो भी आपका सस्पेंशन सिस्टम है वो व्हील में सेपरेटली लगा होता है। देखिए ये व्हील अगर ऊपर जाता है तो दूसरे व्हील पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी जगह में है, ठीक है, उसका कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई, मतलब ये इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद है एक दूसरे से। ये अगर ऊपर होता है या नीचे होता है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे ये देखिए इसमें बम्प आया नीचे से, देखिए ये बम्प आया, बम्प की वजह से व्हील है ना ऊपर उठा, इसकी देखिए ये थोड़े से इतना टिल्ट हुआ इसके सस्पेंशन के कारण, इस पर ही फ़र्क पड़ा, लेकिन ये दूसरे व्हील पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसके जो इस टाइप का जो है आजकल देखिए आपकी जो कार्स वगैरह आती हैं, जो नए व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ इसी टाइप के यूज़ किए जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट टाइप के। अब इंडिपेंडेंट टाइप का जो सस्पेंशन सिस्टम यूज़ किया जाता है उसके अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सस्पेंशन सिस्टम होते हैं। डिफरेंट वेराइटीज़ में एक बहुत ज़्यादा फेमस है आपका मैकपर्सन स्टड, मैकपर्सन टाइप का, और दूसरा है डबल विशबोन, तीसरा है आपका, ठीक है, ये जो दो है मेन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी यूज़ किए जा रहे हैं, मैकपर्सन स्टड टाइप और डबल विशबोन सिस्टम सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। तो मैकपर्सन को भी आप सिंगल विशबोन टाइप भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना सिंगल। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, देखिए पहले का फ़ायदा क्या था और इसका फ़ायदा क्या है, ये देखिए इसकी जो स्मूथ ड्राइव है, इसकी बहुत ज़्यादा स्मूथ ड्राइव है, क्योंकि देखिए अगर एक के पीछे अगर बम्प आया, कुछ आया, गड्ढा आया, कुछ भी आया, तो एक में ही फ़र्क पड़ेगा, दूसरा तो बॉडी जो भी आपका व्हीकल्स है उसका बैलेंस वैसे का वैसा बना के रखेगा, वो झुकेगी नहीं आपकी व्हीकल्स, है ना, तो ज़्यादा टिल्ट नहीं होगी, तो इसमें स्मूथ ड्राइविंग हो जाएगी। और ये वाला सस्पेंशन सिस्टम जो है आपकी जो व्हील को है बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखता है, ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम। हाँ तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सस्पेंशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल ये होता है कि ये आपका जो है शॉक को तो ऑब्जर्व करता ही करता है, साथ में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें आप, आपके व्हील को जो है व्हील को ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में भी रखता है ताकि वो कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में रहे, ठीक है, ये भी इसका काम होता है, ठीक है, एक तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है इंडिपेंडेंट टाइप के जो सस्पेंशन सिस्टम है, ये लोडिंग कैपेसिटी जहाँ कम होती है वहाँ यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपके कार्स वगैरह में जो है कम रहती है, ऑटो वगैरह में आपने देखा होगा इस तरह के लगे होंगे, ऑटो में देखा होगा कभी बाहर की तरफ इस तरह से आप वो लगे होते हैं व्हील, तो वही होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट टाइप की, कि अगर एक व्हील में कोई फ़र्क पड़ता है तो दूसरे में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेमी इंडिपेंडेंट टाइप, इसमें टॉरिजन बीम सस्पेंशन सिस्टम है जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अभी कवर कर सकें, ठीक है। तो उसमें देखिए टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, सॉरी सस्पेंशन स्प्रिंग। तो अभी तक हम देख रहे थे कि भाई अभी हमने क्या देखा, पीछे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखिए ये टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, पहला डिपेंडेंट टाइप, डिपेंडेंट टाइप में कई चीज़ें हैं, लीफ स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है ना, और इंडिपेंडेंट टाइप में देखिए मैकपर्सन और डबल विशबोन। तो ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये भी स्प्रिंग से बने होंगे, ये भी स्प्रिंग से बने होंगे, है ना, वो और यहाँ पर लीफ लगी होगी, लीफ जो पत्तियाँ होती हैं उस टाइप से, है ना, कमाईनी जिसको हमको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं लीफ, तो वो लीफ इन सब, ये सब स्प्रिंग की कैटेगरी में आ जाती है। मतलब आप यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं कि भाई स्प्रिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सस्पेंशन सिस्टम का, तो इसलिए हमें उसका जो है टाइप भी पढ़ना बहुत ज़रूरी, इसलिए मैं आपको ये टाइप बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम के, जो टाइप ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि उसी टाइप की स्प्रिंग को यूज़ करके आपका सस्पेंशन सिस्टम बनाया गया, ठीक है। तो पहला होता है आपका स्टील स्प्रिंग, स्टील की जो बनी हुई स्प्रिंग होती है उसमें जो जो कैटेगरी आती है, देखिए उसमें क्या क्या आता है, लीफ स्प्रिंग आता है, कॉयल स्प्रिंग आती है, टेपेड लीफ स्प्रिंग आती है, और टॉरिजन बार आते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए ये हो जाते हैं कि भाई लीफ स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में लीफ स्प्रिंग एक्सप्लेन करने को दिया गया और कॉयल स्प्रिंग एक्सप्लेन करने को दिया गया, इसको हम सेपरेटली पूरा आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट फिर आपका रबर स्प्रिंग सिस्टम, तो रबर स्प्रिंग सिस्टम भी कई जगह यूज़ किया जाता है, रबर स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। तो कंप्रेशन स्प्रिंग होती है उसमें, ये सब आप पढ़ लेना बिल्कुल, ये मैं एक एक चीज़ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमें एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं इसको, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। फिर उसका होता है नेक्स्ट आपका प्लास्टिक स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग, हाइड्रोलिक स्प्रिंग। अब दोस्तों देखिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये सब चीज़ें नहीं इतने एक्सप्लेन, ये बीटेक में पढ़े जाते हैं इतने ज़्यादा, और इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, जितना आपका सिलेबस में दिया उस हिसाब से मैं चीज़ें कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत लंबा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली कर पाएँ, इसलिए हम इस हिसाब से आपको बता रहे हैं, ठीक है। और चलिए हम नेक्स्ट हमारा आगे देखते हैं, ये एयर स्प्रिंग देख ली, हाइड्रोलिक स्प्रिंग देख ली, अब हम आते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया एक सब टाइप बताया था,
स्टील स्प्रिंग में लीफ स्प्रिंग और कॉयल स्प्रिंग। तो अब हम करने वाले हैं लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग क्या होती है? लीफ स्प्रिंग देखिए आप, ये आपको सामने डायग्राम दिख रहा होगा लीफ स्प्रिंग का। तो ये लीफ स्प्रिंग है आपकी। लीफ स्प्रिंग में देखिए क्या क्या है। लीफ स्प्रिंग में ये है लीफ, इनको कहते हैं लीफ, ठीक है, पत्ती टाइप की पतली पत्तियाँ, ये आपकी पूरी लीफ हैं। और सबसे ऊपर वाली जो बड़ी वाली लीफ है ये मेन लीफ है आपकी, और नीचे वाली जो है, नीचे वाली उससे थोड़ी थोड़ी छोटे साइज़ की होती है, जिसके बाद जो लगती है वो उसके छोटे साइज़ की होती जाती है, ठीक है, ये वाली लीफ। तो इसको आप रेजोनेंस टाइप की लीफ भी कहते हैं, ठीक है इनको। तो इस लीफ में मैं आपको इसमें लीफ स्प्रिंग में मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो पहले इसके पार्ट्स देखते हैं। ये रबर बुश के साथ यहाँ एक एंड में, यहाँ इस एंड में ये फिक्स होता है लीफ स्प्रिंग, एक एंड में फिक्स होती है और एक एंड इसका मूवेबल रखा जाता है, ठीक है। वो क्यों रखा जाता है मैं अभी आगे बताऊंगा। फिर ये मास्टर लीफ कहते हैं, ये मेन वाली बड़ी वाली को मास्टर लीफ कहते हैं, और ये छोटी वाली मैंने बताया आपको रेजोनेंस इसको बोलते हैं लीफ, है ना। और नेक्स्ट है ये जो देखिए ये क्लिप लगी हुई है, ये क्लिप जो है इसको बाइंड करने के लिए रखती है, इसको बॉन्ड करने के लिए रखी जाती है। और ये आपका यू बोल्ट है, यू बोल्ट जो है इसको पूरे को कस के रखता है, किसके साथ, आपके एक्सेल के साथ। एक्सेल आपका रियल एक्सेल भी हो सकता है और फ्रंट एक्सेल भी हो सकता है, मतलब दोनों में से किसी भी एक्सेल में, दोनों एक्सेलों में लगी होती है आपकी कमाईनी, ठीक है। तो ये देखिए जो लीफ स्प्रिंग, तो लीफ स्प्रिंग में देखिए बोल्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आगे हम देखेंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही आपकी लीफ स्प्रिंग लगी होती है तो ऊपर से जो लोड लगता है, ये लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है आपकी लीफ के थ्रू दोनों एंड से। तो जो जिसका वेट होता है W, ठीक है, इसका वेट भी W होगा। ऊपर इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको 2L ले लेते हैं हम, ठीक है, जब डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। हालांकि हम यहाँ पे डेरिवेशन सॉल्व नहीं करेंगे, इस पर हमारा उतना नहीं निकालना है उसको डेरिवेशन वगैरह। तो ये जो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि भाई इस पे जो फोर्स नीचे से जो थ्रस्ट आ रहा है वो इक्वली इन लीफ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो, और वो जो थ्रस्ट को वो यहाँ पे क्या डैम्प भी करता है। इसके दो दो काम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये डैम्प करने का भी काम कर लेते हैं और उस स्प्रिंग के थ्रू उस फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं उसको, है ना, और जो नीचे से शॉक आते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको यहाँ पे लीफ जो है यहीं पे डंप कर लेती है। वो कैसे होता है, देखिए ये लीफ में नीचे से अगर फोर्स लगता है, समझ लो नीचे से अगर फोर्स लगा, व्हील कनेक्टेड नीचे से अगर फोर्स लगा, तो वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हुए इस पे जाएगा, कमाईनी में जाएगा और फिर ये लीफ में जाएगा। लीफ के बाद ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा आगे मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेगा और ये पार्ट आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब इसलिए मूवेबल लगाया जाता है। अगर ये मूवेबल पार्ट को फिक्स कर दें तो ये स्ट्रेस होने के चांसेस हैं, यहाँ से टूटने के चांसेस हैं, इसलिए मूवेबल पार्ट लगाते हैं। और एक पार्ट फिक्स रहता है, ठीक है, इसका एक पार्ट फिक्स रहता है और एक पार्ट मूव करता है, मतलब फोर्स लगता है। और ऊपर से जो आपकी बॉडी है, जो भी बॉडी है, जो भी मशीन है, जो भी आपकी गाड़ी है, उसका फोर्स भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रहता है, तो वो भी यहाँ पे रखता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, आगे। तो ये आपका पूरा जो है लीफ स्प्रिंग इस तरह से वर्क करती है, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, देखिए ये लीफ स्प्रिंग का थ्योरी पार्ट है, पूरा आप रीड कर लीजिए, मैं इतना रीड नहीं करूँगा उसको, आप एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे वर्क करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लीफ स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग कितने टाइप की होती है, वो लीफ स्प्रिंग मैंने आपको बता दी। देखिए क्वार्टर लीफ स्प्रिंग, सेमी एलिक्वल एलिपिटिक लीफ स्प्रिंग और ट्रांसवर्स टाइप और हेल्पर टाइप, ठीक है, ये आपकी जो लीफ स्प्रिंग। तो दोस्तों देखिए ये है आपको, देखिए वीडियो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकती है आपको, हार्ड लग सकता है, क्योंकि नई चीज़ें हैं, समझ रहे हो तो आप समझने की कोशिश करें जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये कि क्वार्टर एलिपिटिक टाइप, सेमी एलिपिटिक टाइप और ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इसमें जो मेनली यूज़ की जाती है वो सेमी एलिपिटिक टाइप की यूज़ की जाती है आजकल ज़्यादातर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आपको बताना हूँ इस लीफ स्प्रिंग से। तो लीफ स्प्रिंग, आई होप लीफ स्प्रिंग आपको क्लियर हो गई होंगी। देखो लीफ स्प्रिंग में कुछ नहीं है भाई, आपने देखी होंगी कई बार, ये लीफ है, ऊपर वाली को मास्टर लीफ बोलते हैं, नीचे वाली को रेजोनेंस लीफ बोलते हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी जो लीफ है ना। तो ये क्यों ऐसे अरेंज की जाती हैं ये हम आगे मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, इसका अरेंजमेंट का रीज़न क्या है, इसको ऐसे क्यों अरेंज की जाती हैं उसका रीज़न क्या है, ठीक है। जो भी स्ट्रेस लगेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये लीफ यहीं के, इसमें कोई डैम्पिंग सिस्टम नहीं होता, ये सेल्फली इसको डैम्प कर लेती हैं, ठीक है, ऐसे डैम्पर टाइप का इसमें कुछ नहीं लगा होता क्योंकि ये लीफ है, ठीक है। और ये यहाँ से जैसी फोर्स लगेगा ये आगे की तरफ पार्ट मूव करेगा। तो मेन चीज़ है आपको इसके पार्ट याद रखना है, ठीक है, स्ट्रिप याद रखनी है, स्ट्रिप से इसको बाइंड करके रखते हैं। तो ये चीज़ थी, आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है। इंपॉर्टेंट टर्म्स में आप देखिए, रियर स्प्रिंग आर कैप्ड लॉन्गर देन फ्रंट स्प्रिंग, जो पीछे की स्प्रिंग है वो आगे की स्प्रिंग से ज़्यादा रखे जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा रखी जाती है। क्यों रखी जाती है ज़्यादा, क्योंकि भाई दिस कॉज द वाइब्रेट, अगर वाइब्रेट होती है तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, है ना, अगर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट होगी तो वो
वहाँ पे क्या एक्सिस बाउंसेस होंगे, तो उस एक्सिस बाउंसेस से बचने के लिए जो है इनका साइज़ डिफरेंट रखा जाता है, ठीक है। फ्रंट का कम रहता है और रियर वाले जो व्हील के पास होता है उसके उसका जो है उसकी जो आपकी लीफ स्प्रिंग है वो इस तरह से रखी जाती है, ज़्यादा रखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्प्रिंग आइस आर यूजुअली बूस्ट विथ फॉस्फरस ग्रोन्स बुशेज, ठीक है। जो यूजुअली क्या है, स्प्रिंग आई जो होती हैं, स्प्रिंग आई मैंने आपको बताया ना इस तरह से जो लगी थी कोने में, स्प्रिंग आई कहते हैं इसको, ठीक है। मैंने वहाँ पे आपको बताया था स्प्रिंग आई, तो ये स्प्रिंग आई जो ऐसी मुड़ी होती है, स्प्रिंग आई जो है एक टाइट किससे होती है, ब्रॉन्ज से, ठीक है, फॉस्फरस ब्रॉन्ज से। और आजकल देखिए आप जो लाइट व्हीकल्स हैं, लाइट व्हीकल्स में यूज़ होती हैं, रबर की भी यूज़ की हो जाती है लाइट व्हीकल्स में, बहुत हैवी व्हीकल्स में फॉस्फरस यूज़ होता है, लेकिन लाइट व्हीकल में जो है रबर की जो है इस वहाँ पे यूज़ हो जाती है, ठीक है। ड्यू टू मॉइस्चर, मॉइस्चर के कारण क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए लीफ स्प्रिंग की जो ड्रॉबैक है एक तरह से, लीफों के बीच में अगर मॉइस्चर आ गया तो मॉइस्चर से क्या होगा, इंटर लीफ फ्रिक्शन विल बी कॉज, लीफों के बीच में फ्रिक्शन होगा। देखिए फॉर एग्जांपल एक लीफ है, एक लीफ के ऊपर दूसरा, अगर आप जैसे हाथ रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन होता है ना, तो कुछ आवाज़ भी आती है, ऐसे लीफ अगर आपस में रगड़ेंगी तो उससे क्या होगा, इंटर लीफ फ्रिक्शन होगा, और जिसके कारण क्या होगा, फ्रेटिंग कोरिजन हो जाएगा, ठीक है, फ्रेटिंग कोरिजन। अब इस फ्रेटिंग कोरिजन से बचने के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो है ये फ्रेटिंग कोरिजन क्या करता है, फटिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ कर देता है आपकी, ठीक है। तो ये देखिए क्या होता है, मॉइस्चर के कारण लीफ स्प्रिंग में एक और प्रॉब्लम होती है भाई, कि भाई मॉइस्चर आ जाता है ना, मॉइस्चर आ जाता है, तो मॉइस्चर आने के कारण उनके बीच में फ्रिक्शन होने लगता है और फ्रेटिंग कोरिजन हो जाता है, जिसकी वजह से, और इससे क्या फटिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब इससे बचने के लिए क्या होता है, फॉस्फेट का पेंट किया जाता है, पूरे लीफ स्प्रिंग में है ना पेंट किया जाता है फॉस्फेट की, जो ये छोटे छोटे टर्म आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस टर्म को बिल्कुल दिमाग में रखें, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको, मैं बता दूँ, श्योर करा दूँ, ठीक है। उसका देखिए थिन लाइनर ऑफ जिंक, तो थिन लाइनर ऑफ जिंक एंड सॉफ्ट मेटल इंसर्टेड बिटवीन ब्लेड टू प्रिवेंट द स्क्वैकिंग साउंड, स्क्वैकिंग का जो साउंड आता है लीफ को के बीच में, उससे बचने के लिए लीफ के बीच में जो है जिंक के मेटल या मेटेलिक बहुत सॉफ्ट सा मेटल बीच में भर दिया जाता है ना, बीच में फिक्स कर दिया जाता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे फिक्स किया जाता है, देखिए ये जो लीफ है इनके बीच में जो गैप होता है यहाँ पे फिक्स किया जाता है आपका, ठीक है, जो मेटल वगैरह, तो मैंने अभी बताया आपको ये जो मेटल कौन सा, थिन लाइन ऑफ जिंक एंड सॉफ्ट मेटल इंसर्टेड बिटवीन ब्लेड टू प्रिवेंट द स्क्वैकिंग साउंड, ठीक है। जब आपकी कमाई वो जो आपकी लीफ है वो ढीली हो जाएंगी तो उस समय क्या होगा, ये जो है इस तरह से वो फिट किया जाता है। तो ये जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों हम वीडियो की लास्ट में जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करने वाले हैं, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इससे होगा ये कि दोस्तों हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरह मेहनत करते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, सब्सक्रिप्शन के बाद आपका रेड कलर की जो बटन होगा उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दें, उससे होगा ये कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि भाई ये जितना भी मटेरियल है, लगभग जो मटेरियल है ये लगभग आपकी एक घंटे से कम मैं कवर नहीं होने वाला, लेकिन मैं बहुत स्पीड में करा रहा हूँ। आई होप आप लोग बीटेक के स्टूडेंट होंगे, आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा तो आप जल्दी से कैच कर पा रहे होंगे, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी आपको ओवरव्यू समझा रहा हूँ। और अगर आपको लग रहा है ऐसा कि वीडियो के अंदर मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे ना कमेंट करें वीडियो के एंड में कि इस फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लूँगा, तो मैं जो है टाइमिंग के लिए थोड़ा आपका टाइम सेव करने की वजह से इतना ज़्यादा स्पीड में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम स्प्रिंग का देखते हैं, स्प्रिंग का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। लीफ स्प्रिंग का साइज़ जो होना चाहिए वो विड्थ होनी चाहिए 25 से 18 mm इन स्टेप ऑफ 5 mm, और जो उसकी थिकनेस होनी चाहिए वो 2 से लेकर 8 mm तक होनी चाहिए, और स्टेप ऑफ 1 mm में, और 10 से लेकर 16 तक होनी चाहिए 2 mm के स्टेप में, ठीक है। तो ये आपका जो है इसकी साइज़ है, उसमें मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होना चाहिए, तो लीफ स्प्रिंग में ये होगा प्लेन कार्बन स्टील, जो जिसके कार्बन जिसके अंदर होता है 0.9 से लेकर 1% तक कार्बन होता है प्लेन कार्बन स्टील से, और दूसरा होता है क्रोमैंडियम स्टील और सिलिकॉन मैग्नीशियम स्टील से बना होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट लीफ स्प्रिंग का एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको इजीली समझ में भी नहीं आएगा। देखिए एक क्या एक टर्म आया आपका निपिंग ऑफ लीफ स्प्रिंग, अब निपिंग क्या होता है, निपिंग का क्या मतलब होता है, ये बहुत आपने अगर बीटेक में ध्यान से पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको याद आ गया होगा कि निपिंग ऑफ लीफ क्या होता है। भाई निपिंग ऑफ लीफ समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा इनर्शिया,
इनर्शिया का क्या मतलब होता है, एक बॉडी है जो अगर उसके अंदर एक अपनी एक खुद की एक रजिस्टिविटी मतलब खुद के अंदर उसका एक इतना फोर्स है कि वो भाई अपोजिट फोर्स लगने वाला है उस पर तो वो उसका अपोज करता है, ठीक है, उसका विरोध करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मूव कर रहे हैं कंटिन्यू, तो वो आप वैसे ही कंटिन्यू आपके अंदर एक फोर्स रहेगा। तो वैसे ही एक तरह से क्या होगा, अगर इधर से एक एक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से एक एक्शन हो रहा है, तो सामने वाली बॉडी के पास इतना फोर्स होगा कि वो आपके इस एक्शन को तब तक रोक के रखेगा जब तक इसका ये फोर्स ख़त्म नहीं हो जाए। तो ऐसा ही एक फोर्स हम जो है लीफ के बीच में जनरेट कराते हैं, लीफ को गैप के बीच में, इस वैसे एक्चुअली इन गैप को ही निपिंग बोला जाता है, ठीक है। तो लीफ को गैप को हम ऐसे मेंटेन करते हैं, ऐसे इनके गैप को टाइट किया जाता है इसके साथ बोल्ट के साथ, ठीक है, ऐसे टाइट किया जाता है कि ये जो इनके गैप जो इस हिसाब से बन जाए कि इस तरह का एक फोर्स जनरेट हो जाए इनके बीच में, ठीक है। निपिंग वैसे आप और दूसरी लैंग्वेज से समझेंगे बहुत टफ लगेगा, मैंने जैसा आपको बताया ना, यहाँ से कोई एक ऐसा फोर्स हम अगर इस तरफ से लगा रहे हैं इस तरफ से, और ये एक बॉडी एक अपना एक ऐसा फोर्स है जो इसको अपोज करने की कोशिश कर रही है इस वाले फोर्स को, तो वो जो स्ट्रेस है वो जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो हम ऑलरेडी उसको हमने अपोजिट फोर्स बोला ना, तो इसी को हम स्प्रिंग के टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेस है जब हम इस पर टेंसाइल स्ट्रेस लगा देते हैं। तो मतलब टेंसाइल स्ट्रेस कैसे लगाएंगे, ये जो स्ट्रिप है इनको हम बांध देंगे किसके साथ, बोल्ट के साथ किस में, एक्सेल में इतना टाइट कर देंगे कि इनमें एक खुद में ही इनमें एक टेंसाइल स्ट्रेस लग जाए, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे हम इस ऊपर वाले हिस्से से नीचे से नट टाइट करते रहेंगे तो इनका गैप कम होता रहेगा, तो गैप कम होता रहेगा तो ये जो कर्व वाला एरिया वो नीचे की तरफ झुकता रहेगा, नीचे वाली ऊपर की तरफ झुकते रहेंगे तो आपस में टाइट हो जाएंगी, जिसके कारण इसमें क्या फोर्स ऊपर से लगा ना, ऊपर से फोर्स लगा, तो ऊपर से अगर फोर्स लगा तो नीचे वाला फोर्स जो है इसके अंदर अपोज करेगा, ऊपर वाला फोर्स जो इस पर लग रहा है जिस इस बोल्ट के कारण जो हम टाइट कर रहे हैं यू बोल्ट, इसके कारण जो लीफ पे फोर्स लग रहा है, लीफ का जो गैप कम हो रहा है और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक तरह से ये जो फोर्स लग रहा है इसके बीच में, तो यही फोर्स इसको हम बोलेंगे टेंसाइल फोर्स है ना, ठीक है। और उसको अपोज करने के लिए कंप्रेसिव फोर्स अंदर से जनरेट होगा, वो कंप्रेसिव फोर्स जो है इस लगने वाले फोर्स को अपोज करेगा, और ये जो लगने वाला फोर्स ऊपर से एक और फोर्स आएगा आपका जो बॉडी का वेट होगा, ठीक है, उसको भी अपोज करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में अभी 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग और बैठ गए, तो जैसे ही आपके जो 20 लोग बैठेंगे ना, वो इस ये वाला जो फोर्स रहेगा जो हमने बोल्ट से बना के रखा है, ये इसको ये वाला फोर्स इस 20 लोगों के जो 10 लोग एक्स्ट्रा हुए हैं उनको उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। पहले 10 आदमी थे, 10 आदमी जब बैठे थे तो उस समय भी ये फोर्स अपोज करने की, उस समय ये फोर्स था ही नहीं, समझ लीजिए, ठीक है, उस समय 10 आदमी बैठे आपकी गाड़ी में, ये फोर्स जो है इस पर लगा, तो अंदर से एक कंप्रेसिव स्ट्रेस बना, जैसे ही वो कंप्रेसिव स्ट्रेस लीफ के थ्रू धीरे धीरे ख़त्म होने की कोशिश कर रहा था, इतने में 20 बंदे और आ गए, तो जैसे 20 बंदे और आ गए तो 20 बंदे का ऊपर से फोर्स और बढ़ गया, तो ऊपर से फोर्स और बढ़ गया, लेकिन ये जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस जो ऑलरेडी पहले बन चुका था वो ख़त्म होने की कगार पे था, लेकिन अब ये ऊपर से जैसी फोर्स लगा तो जो ख़त्म होने की जो वैल्यू जो बची हुई थी, जो अमाउंट बचा हुआ था ख़त्म होने पे, वो इसको फिर से अपोज करने लगेगा। तो जब ऐसी कंडीशन में ये इसको फिर से अपोज करने लगेगा तो क्या होगा, एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगी और जो फोर्स है वो आपके फोर्स को एक अपोजिट बंदे से ज़्यादा देर लड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक रिजर्व फोर्स की तरह काम करता है आपका कंप्रेसिव फोर्स जो वहाँ पे जनरेट होता है, हम यू वोल्ट से इसको वो करते हैं। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं निपिंग, एक ऐसा फोर्स जो आपको अपोजिट एक तरह से ऑलरेडी एक स्मॉल अमाउंट का फोर्स, हम इसको बोलते हैं प्री स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं, प्री स्ट्रेसिंग, तो हम पहले से स्ट्रेस करके रखते हैं इसको, ऐसा कि पहले से इसके अंदर हम स्ट्रेस करके रखते हैं और इसको पहले से हम ऐसा बना के रखते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेस हो, इसके अंदर कुछ एक फोर्स बना रहे अपोजिट करने के लिए। जैसे ही आपका वो आएगा फोर्स लगेगा, ऊपर से आपके शॉक लगेंगे, उसको फटाक से अपोज करें तुरंत, है ना, एक अमाउंट का फोर्स कुछ है ना, तो वो उसको ही हम बोलते हैं प्री स्ट्रेसिंग, पहले से हम स्ट्रेसिंग करके इसको रखते हैं, ठीक है, पहले से हम इसको क्या करते रहते हैं, स्ट्रेस करके रखते हैं हमारे स्प्रिंग को, तो वो ठीक है, इसको बोलते हैं निपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करें तो मैं इसको दोबारा समझा दूँगा। चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं कॉइल स्प्रिंग। देखिए वो आपका था अभी तक हम पढ़ रहे थे लीफ स्प्रिंग पढ़ रहे थे जो कि वो भी एक सस्पेंशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें लीफ यूज़ हो रही थी। अब हमारी बारी आ जाती कॉइल स्प्रिंग। अब नॉर्मल सी बात है, कॉइल स्प्रिंग में कॉइल होंगी, देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए इनको बोलते हैं कॉइल स्प्रिंग, जो कि आपकी आपकी बाइक में इस तरह की आपने देखी होंगी, है ना, और आपकी कार वगैरह में आपने देखी होंगी इस तरह से, और कई जगह इस तरह से भी देखी होंगी आपने कई एडवांस गाड़ियों में, तो ये टाइप्स ऑफ कॉइल स्प्रिंग है। सॉरी, तो कॉइल स्प्रिंग का आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ें। कॉइल स्प्रिंग में क्या होता है,
जो है कॉयल स्प्रिंग के बड़े फ़ायदे होते हैं। कॉयल स्प्रिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स ऑब्जर्व कर लेता है एज़ कम्पेयर टू लीफ स्प्रिंग से ज़्यादा फोर्स ऑब्जर्व कर लेता है कॉयल स्प्रिंग। और कॉयल स्प्रिंग का एक और रोल होता है कि भाई कॉयल स्प्रिंग में मेंटेनेंस कम लगती है, मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है एज़ कम्पेयर टू लीफ स्प्रिंग में, क्योंकि लीफ स्प्रिंग में आपको ऑयल ग्रीसिंग वगैरह भी चाहिए और उसको रिपेयरिंग का, तो इसमें ऐसा कोई मेंटेनेंस का ज़्यादा खर्चा नहीं होता। कॉयल स्प्रिंग लिपटी होती है आपके स्ट्रट के बीच में, डैम्पर के बीच में, तो कॉयल जो फोर्स ऑब्जर्व करती है उसको कुछ अमाउंट क्या रहता है, देखिए कॉयल ने एक फोर्स ऑब्जर्व किया, वो कॉयल आपकी इस तरह से है, तो कॉयल में कंटिन्यू एक बार फोर्स लगा और ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगी फोर्स के कारण। अब ये टू एंड प्रो मोशन वाइब्रेट करेगी तो ये बार बार होगी। अब ये मेटल से बनी हुई तो भाई एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी मेटल ख़राब हो जाएगा, लूज़ हो जाएंगे आपकी स्प्रिंग। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इसके लोड कम करने के लिए अंदर लगा होता है डैम्पर। तो डैम्पर का काम क्या होता है, डैम्पर के अंदर फ्यूल होते हैं, सिलेंडर पिस्टन वाला सिस्टम होता है, और जो भी आपके स्प्रिंग ये कॉइल स्प्रिंग का जो स्ट्रेस होता है उसको ये डैम्प करने का काम करता है डैम्पर, मतलब उसको एक तरह से ख़त्म कर देता है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो आपकी जो शॉक ऑब्जर्व की आपकी, सबसे पहले क्या इसने स्प्रिंग ने ऑब्जर्व किए, और स्प्रिंग ने ऑब्जर्व किया तो उसके साथ अंदर देखिए ये लगा हुआ है ब्लैक कलर में, आपको दिख रहा होगा ये डैम्पर। यहाँ पे देखिए ये गोल्डन कलर में ये अंदर लगा हुआ है, ये डैम्पर है। यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर में तो ये डैम्पर है। तो ये क्या होगा, जैसे ही स्प्रिंग ने शॉकअप लगा, नीचे से आया व्हील पे, व्हील के कारण यहाँ पे शॉकअप गया, शॉकअप जैसे शॉक गया तो शॉकअप शॉक के कारण क्या स्प्रिंग आपकी स्ट्रेस होगी, स्प्रिंग दबेगी, ऊपर भी आपका लोड लगा हुआ, आप ऊपर बैठे हुए हैं ठीक है, और नीचे से आपका कुछ आ गया, बम्प आ गया या कुछ है ना, गड्ढा आ गया, तो उसके कारण व्हील ऊपर हुआ। तो ये बीच में जो आपकी ये रहेगी, एक मिनट कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट में इसको। तो दोस्तों देखिए ये क्या होता है, इसमें सस्पेंशन सिस्टम में आपकी कॉइल में फिर से वीडियो में थोड़ी सी देखिए क्या होता है, इस पर सस्पेंशन सिस्टम में जो आपकी स्प्रिंग ने फट से देखिए यहाँ से नीचे ये व्हील के थ्रू आपका गया फोर्स, तो स्प्रिंग में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ, स्प्रिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हुई फिर अगर समझ लीजिए डैम्पर नहीं लगाओ, स्प्रिंग ही ऊपर नीचे होती रहेगी, तो ये जो है स्प्रिंग अगर अकेला वर्क करती तो स्प्रिंग के कारण बहुत ज़्यादा हमें फोर्स लगता रहता और हमें प्रॉब्लम होती रहती है ना, काफ़ी शॉकअप लगता रहता हमें ना, शॉक्स लगते रहते काफ़ी। तो इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म करने के लिए डैम्पर का यूज़ किया जाता है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा ताकि ये शॉक, तो क्या हो जाएगा जैसे ही स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग इससे जुड़ी, स्प्रिंग का फोर्स डैम्पर के अंदर जाएगा, पिस्टन जो है स्प्रिंग के साथ ये मूव करेगा नीचे, तो पिस्टन वाला सिस्टम होता है, मैं आगे समझाऊंगा, पिस्टन मूव करेगा और वो फ्यूल में वो जो है आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा फ्यूल के थ्रू, और फिर वो जो है हीट में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है, डैम्पर हीट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये है आपकी स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। तो स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम में जो है, इसके लिए आप थ्योरी पूरा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक मेन स्प्रिंग होती है, और देखिए इसकी कभी कभी इसको हेल्प करने के लिए इसमें जो है यूज़ होती है, इसमें हेल्पिंग स्प्रिंग भी यूज़ कर ली जाती है कभी कभी इसको हेल्प करने के लिए। तो देखिए ये है आपका, मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए ये आपकी स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम है। इसमें देखिए मैक पर्सन सिस्टम है, मैक पर्सन जो होती है इसको आप बोलते हैं अपन, देखिए ये इसमें सिंगल ही लगा हुआ है ठीक है, सिंगल इस तरह से अरेंज होता है, ये मैक पर्सन होता है, और ये आपका डबल बुशबोन है ठीक है, डबल बुशबोन है ठीक है, इसको बोलते हैं डबल बुशबोन, और इसको सिंगल बुशबोन भी बोलते हैं। तो आप डायग्राम देख के समझ जाएंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो हाँ चलिए हम देखते हैं, हम डैम्पर के बारे में हम देख रहे थे, डैम्पर को एक तरह से शॉक ऑब्जर्वर भी कह रहे हैं। अब देखिए इसके चारों तरफ स्प्रिंग लगी होती है, इस तरह से अरेंजमेंट होती है, तो स्प्रिंग जैसी कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो स्प्रिंग के साथ ये डैम्पर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे से देखिए यहाँ ऊपर से लोड आएगा। तो ये देखिए इसमें ये पिस्टन टाइप का लगा होता है, ये पिस्टन है, पिस्टन मूव करेगा ऊपर, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पिस्टन भी इसके साथ मूव करेगा, देखिए इसके साथ अटैच होगा स्प्रिंग के साथ, इसलिए पिस्टन भी मूव करेगा। यहाँ से समझ लो स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग अगर ऊपर से लोड लगा या नीचे से आया तो ये पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा। और ये कैसे वर्क करता है ये मैं बताता हूँ आपको, देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर के हैं ये छोटे छोटे ये वॉल्व हैं, इस वॉल्व से ही फ्लूड आपका अंदर बाहर होता है ठीक है, और ये जो भरा होता है ये ऑयल भरा होता है, लुब्रिकेंट ऑयल है ठीक है, जो भी है आपका हाइड्रोलिक ऑयल है ठीक है, हाइड्रोलिक फ्यूल है, और ये कोई सा भी ऑयल हो सकता है ठीक है आपका, तो वो तो डिपेंड करता है कि किस हिसाब का ऑयल यहाँ पर भरते हैं ठीक है। और यहाँ पे N2 गैस यूज़ की जाती है ज़्यादातर, इसमें N2 गैस इसलिए यूज़ किया जाती है कि जो आपके ऑयल के अंदर है वहाँ पे बबल्स ना बने ठीक है। तो देखिए पहली कंडीशन में जब आपका लोड नहीं लगा है तो पिस्टन आपका ऊपर होगा, जैसे ही आपका लोड लगेगा, इसकी वर्किंग आप देख लीजिए बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ, तो जैसे ही वर्किंग यहाँ पूरा ये ग्रीन कलर का जितना दिख रहा है ये आपका क्या ऑयल भरा हुआ है ठीक है ग्रीन कलर का, तो जैसे ही इस पर लोड लगा, लोड लगते ही पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ, तो देखिए ये एक मेन सिलेंडर है बाहर वाला, एक अंदर एक और सिलेंडर है ठीक है, दो सिलेंडर लगे होते हैं, तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पे देखिए दो पिस्टन है, एक ये पिस्टन है और एक ये पिस्टन है, ये दो पिस्टन है ठीक है, दोनों पिस्टन से फ्यूल है, उनके बीच में एक छोटे छोटे होल है, इनसे फ्यूल जो है ऑयल जो है वो
फ्लूड और जो है वो पास होगा। तो जैसे ही ऊपर से फोर्स लगा पिस्टन नीचे की तरफ मूव करने, वो पिस्टन जैसे नीचे की तरफ मूव करने लगा तो इन जो होल्स हैं ऑयल ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा, ऑयल ऊपर की तरफ जाने लगेगा। आपको पता है ऊपर से फोर्स आप प्रेशर लगा तो ऑयल ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से इसमें वर्क होगा और जो और कुछ अमाउंट का ऑयल जो है इस तरह से बाहर जाने लगेगा, जैसे फोर्स लगेगा इसमें इस वाले होल से, इस वाले होल से ऊपर चढ़ना शुरू किया, इस वाले होल से बाहर चढ़ना शुरू कर दिया उसने। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, यहाँ पर राइज होने लगेगा ऑयल का और यहाँ पर कम हो जाएगा और ये जो है पूरा जो आपका फोर्स है वो जो ये शॉक है वो पूरा इसी फ्यूल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाद में ये डैम कर प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो जाएगा, बाहर जो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में बाहर हो जाएगा। देखिए ये पिस्टन नीचे आ गया दूसरे केस में, यहाँ पे कम बचा और देखिए यहाँ पे ऑयल का लेवल राइज हो गया है ना। तो ये इस फ्यूल के कारण है। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिए गए हैं यहाँ पे ये होल्स वॉल्व क्यों दिए गए हैं, वॉल्व इसलिए दिए गए हैं कि भाई फ्यूल जो होता है फ्लूड हो सॉरी है फ्यूल बार बार मैं बोल रहा हूँ गलती से, फ्लूड जो होता है आपका ऑयल जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के अंदर आपने पिस्टन ही सिर्फ लगा दिया और ऊपर से फोर्स लगाया तो फिर ये तो कोई एक्शन ही नहीं करेगा, ये यहीं कहीं रुका रहेगा, कहाँ जाएगा आपका, ये बीच में ये ट्रैप है आपका फ्यूल फ्लूड है ना, तो ये फ्लूड जो बीच में ट्रैप है और अब कोई होल नहीं है तो ये यहीं कहीं रहेगा, तो शॉक को कैसे कैसे पिस्टन मूव करेगा वो, उसको रिंग भी आपके इसके साथ अटैच है तो रिंग भी बेचारी रिंग भी नहीं स्ट्रेस हो पाएंगी इसके कारण, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं तो इसी वजह से ये होल दिए रहते हैं। ये पूरा सिस्टम अरेंज किया जाता है भाई इसी हिसाब से, और ये इसका रीज़न ये है कि जो फोर्स है जो आपका जो शॉक है वो इसी ऑयल में ही समझ लीजिए आके आ जाता है अंदर, ठीक है, एक तरह से फिर वो बाद में हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पहले केस में अगर ऊपर से आपका फोर्स लगा तो ये जो है फ्यूल ऊपर की तरफ फ्लूड ऑयल आपका जाएगा और यहाँ से भी ऑयल बाहर की तरफ निकलने लगा। देखिए ऊपर से फोर्स लग रहा है तो कुछ ही बाहर की तरफ आएगा क्योंकि ऊपर से फोर्स आ रहा है, अब ऊपर से फोर्स आ रहा है तो फ्यूल अपना खुद का भी प्रेशर लगाएगा तो ये इसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ ये बहेगा और जैसे ही आपका फोर्स रिलीज़ हो जाएगा, देखिए फोर्स जब लग गया तो ऐसी कंडीशन में इस तरह से आ जाएगा पिस्टन, फोर्स से रिलीज होगा जाएगा फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन में कैसे आएगा, ये जो ऊपर जो भर गया था फ्यूल में बार बार बोलता हूँ गलती से फ्लूड बोलना चाहिए मेरे को, ऑयल जो भर गया था वो ऑयल धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। जैसे ही ऑयल नीचे आने लगेगा तो आपका पिस्टन ऊपर मूव करने लगा होगा, जब स्ट्रेस कम हो गया यहाँ पे शॉक कम हो गया, ठीक है, तो ऊपर पिस्टन जाने लगा तो ऊपर का जो ऑयल वहाँ भर गया था वो नीचे आने लगा और नीचे से कुछ ऑयल ऊपर चढ़ने लगा, ठीक है। तो यहाँ से भी फिर वापस वैसी कंडीशन बना ली उसने, इस तरह से आपका जो ऑयल है ऊपर नीचे करता है, ठीक है। तो ये था आपका डैम्पर, डैम्पर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में शॉक ऑब्जर्वर भी कहते हैं। उसका थ्योरी यहाँ पूरी लिखी हुई है आप देख लीजिएगा, ये उसकी थ्योरी है पूरी, ये एक डायग्राम भी बना हुआ ये भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए ये थी हमारी आज की वीडियो, तो हम इसमें ये करने वाले हैं, देखिए अभी ये ख़त्म नहीं हुई आपकी वीडियो, मैं आपको बता दूं दोस्तों एक्चुअली जो हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपको क्या क्या समझ में आया। तो दोस्तों उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बेल आइकन दबा दें, इससे होगा ये कि दोस्तों हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरह मेहनत करते रहते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसा कि आपका सभी का डिमांड था कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी करने हैं तो हम क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का, देखिए जिंक लाइनर बिटवीन द लीव्स स्प्रिंग्स आर समटाइम यूज टू, तो जिंक लाइनर की देखिए मैंने वहाँ बात करी थी, आपको याद करिए इसी वीडियो के अंदर ही, अगर आपने सही से समझा तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे देंगे, तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए वहाँ पर स्क्वैकिंग लिखा हुआ था, स्क्वैकिंग तो स्क्वैकिंग प्रिवेंट करने के लिए इसका आंसर हो गया स्क्वैकिंग प्रिवेंट, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, देखिए इसी वीडियो पे बेस्ड है पूरे ये क्वेश्चन, किस टाइप के आते हैं वो आपको आइडिया हो जाएगा। द व्हीकल्स विल राइड बी कंफर्टेबल इफ मतलब इसको आप पढ़ें तो ये इसका आंसर है ए, अनस्प्रिंग वेट इज कैप्ट मिनिमम, ठीक है, ये इसका आंसर है सेकंड का, आप बिल्कुल इसको समझने की कोशिश करें। और थर्ड है आपका द कॉयल स्प्रिंग इज विश बोन सस्पेंशन इज प्लेस बिटवीन, तो विश बोन सस्पेंशन की जो कॉयल स्प्रिंग है वो कहाँ प्लेस होती है, तो इसका आंसर देखिए, इसको आंसर देने से पहले मैं आप चलिए आंसर देता हूँ फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ। तो ये जो स्प्रिंग है वो कहाँ पर लाई करती हैं, लोअर विश बोन और एंड क्रॉस सेक्शन मेम्बर, क्रॉस मेम्बर के बीच में, ठीक है, लोअर विश बोन और क्रॉस मेम्बर के बीच में, ठीक है, कहाँ लाइक करती हैं, लोअर विजबोन और क्रॉस मेंबर के बीच में। तो देखिए हम देखते हैं पीछे, ये देखिए ये आपका विजबोन टाइप का, ये विजबोन टाइप का है आपका, तो यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग है तो कहाँ लाइक कर रही हैं, ये अपर विजबोन है लोअर विजबोन है, तो लोअर विजबोन और क्रॉस मेंबर के बीच में, तो ये आपको इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों शॉक ऑब्जर्वर इज
इज़ एन ऑटोमोबाइल इज़ यूज टू, किस लिए यूज़ होता है, इसका आंसर आप देंगे, ये आपके लिए। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आप कमेंट में दिया करेंगे, ठीक है। इसका आंसर है आपका डिसिपेटेड द एनर्जी, इसका आंसर आपका बी, तो डिसिपेट द एनर्जी, ठीक है। शॉक ऑब्जर्वर इज एन ऑटोमोबाइल इज यूज टू डिसिपेट द एनर्जी, मतलब एनर्जी को जो है एक तरह से डैम कर देना, एक तरह से वो कर देना, ख़त्म कर देना। एनर्जी को तो ऑब्जर्व करता नहीं है कि ऑब्जर्व करके रखेगा, रिलीज तो करता नहीं है एनर्जी को, एनर्जी को इंक्रीज भी नहीं करता, एक तरह से वो एनर्जी को क्या करे, डिसिपेट करता है, डिसिपेट द एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग आई इन द केस ऑफ कार आर यूजुअली लाई इन स्प्रिंग आई। अब स्प्रिंग आई को मैंने आपको बताया था कि कार के लिए बोला है, तो कार क्या होगा आपका, लाइट व्हीकल हो गया कार, वहाँ पे मैंने बताया था हैवी व्हीकल में ब्रोंज का यूज़ करते थे, है ना, फॉस्फेटिक ब्रोंज का यूज़ कर रहे थे, मैंने आपको अभी बताया था, है ना। तो लाइट व्हीकल के लिए क्या बताया था, रबर बताया था मैंने, तो इसका आंसर है आपका रबर बुशेज यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन और कुछ ये वीडियो, हालाँकि मैंने ये वीडियो को लगभग एक घंटे से ज़्यादा टाइम लगना था कंप्लीट करने में, मैंने काफ़ी स्पीड में कराया। अगर आपको लगता है कि इतनी स्पीड सही नहीं है, स्लो होना चाहिए, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। और ये वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि पार्ट नंबर 8 है। अगर अभी तक आपने दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके जितने भी ऐसे फ्रेंड हैं जिनने हीट इंजन अपना सब्जेक्ट ऑप्ट किया और वो परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। और इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुँच जाएँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।